हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग आज है ग्यारह अगस्त और सबको हैप्पी रक्षाबंधन आज इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं बस निफ्टी को हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या रिस्ट्रेंस है क्या सपोर्ट है निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों में इतना भाग रहा है और कितना देर तक सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से ये यह नीचे आ जाएगा तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन मार्च 2020 में फ़र्स्ट टाइम uh, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसके बाद से हमें मार्केट में एक रिवर्स साइन देखने को मिला था तो फर्स्ट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लिया गया फिर यहाँ तक पहुँचने वाला था लेकिन वो यहाँ से रिटर्न uh, गया फिर आप यहाँ बोल सकते हैं दूसरा टाइम यहाँ पर तीसरा चौथा टाइम यहाँ पाँचवा टाइम और यहाँ फाइनली छः बार ये छः बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन में वो सपोर्ट लिया है निफ्टी लेकिन जो सिक्स टाइम था हमारा नवंबर दिसंबर के टाइम में उस समय ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी नीचे आया निफ्टी नीचे आया और यही ट्रेंड लाइन जिस पे वो सपोर्ट ले रहा था वही ट्रेंड लाइन अब उसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी दिन तक ऑलमोस्ट एक से दो सप्ताह तक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम किया फिर जाके यहाँ जनवरी फेबररी में ये चीज़ फिर से रेजिस्टेंस का काम किया और फिर वहाँ से हमें एक कंटीन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला तो ये हुआ जो हमारा ट्रेंड सप ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा था उसका बाद अगर दोबारा हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ट्रेंड लाइन हमारा बनेगा यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं एक ये वाला ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और यही रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे है फर्स्ट टाइम कंपनी निफ्टी ने यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी दो तीन बार हुआ था यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और अब फिर से ऐसा उम्मीद है कि ये सात सौ या सात के करीब जाके फिर से वो यहाँ से एक रिवर्स बैक हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ़्टी में भी हमें हाँ लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है पहले ये लो बना फिर ये लो बना फिर ये लो बना फिर ये लो फिर ये लो एंड फिर यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया बट फाइनली फिर यहाँ पे पंद्रह हज़ार दो सौ के करीब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से एक रिवर्स बैक का हमारा हमें साइन देखने को मिला हो सकता है कि फिर से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिले तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पोजिशन हैं तो आप उसको थोड़ा हल्का कर सकते हैं आप अभी कैश में रहिए आपके लिए ज़्यादा सेफ साइड रहेगा और अगर फिर से निफ्टी नीचे आता है तो आप उसमें पोजिशन बना सकते हैं ये और अगर हम देखें कि इस लाइन को अगर हम ट्रेड एक्सटेंड uh, uh, करते हैं तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये फिर बाद में जाके निफ्टी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है मतलब कि अभी निफ्टी आ, सत्रह हज़ार सात सौ के साढ़े छः सौ के करीब ट्रेड हो रहा है तो हम बाईस हज़ार तक का आने वाले छः से सात महीने में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाईस हज़ार तक पहुँचे लेकिन शर्त ये है कि फिर से ये यहाँ से टर्न ना हो अगर ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम बाईस हज़ार बीस हज़ार फिर बाईस हज़ार तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन जैसा इस ट्रेंड लाइन का जो ये रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा है तो ये अगर फिर से नीचे आता है तो हमें चौदह हज़ार नौ सौ तक का लेवल देखने को मिल सकता है तो ये था छोटा सा हमारा निफ्टी का एनालिसिस आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपके पास ज़्यादा पोजिशन है तो आप उसमें थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं आप सेफ साइड में रहिए वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय